नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के बारे में। कैसे कोई टीचर इसको डाउनलोड कर सकता है, कैसे कोई टीचर इसमें लॉगिन हो सकता है, कैसे वो टीम बना सकता है और टीम में किस प्रकार से वो स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, साथ ही उसको शेड्यूलिंग कैसे कर सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके यहाँ लिखना है MIC, तो ये आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा डाउनलोड। मेरे पास ओपन लिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मैं ओपन को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओपन को क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस आता है, यहाँ पर लिखा है साइन इन और साइन अप फॉर फ्री, तो आपको साइन इन पर जाना है। जैसे हम साइन इन पर जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। अब यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपको डालना है जो कि स्कूल यानी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है या कोई कंपनी कोई भी है, उन्होंने जो आपको एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया है वो यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, अब मुझे यहाँ पर साइन इन को क्लिक करना है। जैसे मैं साइन इन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भी वही डालना है जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया गया है या आपको अपनी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। जैसे आप पासवर्ड इंटर कर लेंगे आपको यहाँ पर साइन इन को क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन इन को क्लिक करते हैं तो ये विंडो आती है और उस पर है अपडेट योर पासवर्ड, तो यहाँ अपना पासवर्ड अपडेट करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड डालना है जो कि कंपनी ने या स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया है, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद न्यू पासवर्ड, अब इसमें डालना है अपना खुद का पासवर्ड जो आपको आसानी से याद रह सके, ऐसा पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको री इंटर पासवर्ड करना है, मतलब जो ऊपर पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है। मैंने ये पासवर्ड डाल दिया है, अब आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन को क्लिक करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आएगा, आप इसे नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पर आ गया गो इट, आप गो इट को क्लिक करेंगे इस जगह पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे को इट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको नीचे की तरफ आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्टिविटी, चैट, टीम्स, असाइनमेंट एंड कैलेंडर। हमको जो जरूरी है वो बात करते हैं पहले। हमको जरूरी है पहले टीम्स, टीम कैसे क्रिएट करते हैं और टीम में स्टूडेंट को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला फंक्शन बताता हूँ। तो हम ये ऊपर आपको 3 डॉट दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, मैनेज टीम, क्रिएट न्यू टीम, ब्राउज टीम और ज्वाइन ए टीम विद कोड। तो सबसे पहले आप ये प्लस का जो साइन दिख रहा है क्रिएट अ न्यू टीम, तो इस पे जाएंगे आप। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आप सबसे पहले जाएंगे क्लास पर। अब यहाँ पे अपनी क्लास डाल देंगे जो भी, जैसे सपोज करिए मैं अपना कुछ टीम बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया मैथ, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैंने मैथ लिख दिया। कौन सी क्लास है मेरी, तो मैं क्लास डाल दूँगा यहाँ पे टेंथ। अगर मैं कोई सेक्शन ले रहा हूँ ABCD, तो सपोज करो मैं ए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ओनली ए डाल दूँगा। लेकिन मैं 2 सेक्शन ले रहा हूँ क्लास के, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और ब्रैकेट में लिख दूँगा B+C, क्योंकि मैं B और C सेक्शन लेता हूँ, तो मैं B और C सेक्शन दोनों इसमें इंटर कर दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा, जरूर नहीं कि आप इसमें कुछ लिखें, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। अब ऊपर देखिए टिक आ रहा है, तो आप उस टिक को चेक कर देंगे। इस तरह से आपने क्या करा कि अपना टीम बना लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि आप उसमें स्टूडेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है और एक टीचर्स आ रहा है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट टीचर हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट बच्चों को ऐड करते जाइए, लेकिन अगर आप क्लास टीचर हैं तो आपको यहाँ पे कुछ टीचर्स के नाम भी ऐड करने पड़ेंगे। सपोज करिए आप क्लास में 10 टीचर्स पढ़ा रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट, तो 10 टीचर्स को भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ वो खुद भी बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा इंटर नेम और ईमेल एड्रेस, उसके लिए मुझे 10 के बच्चे को सर्च करना है। अब मुझे नाम नहीं मालूम है तो क्या करूँ, तो क्या करूँगा मैं नया डाल दूँगा 10, ये मैंने 10th डाला। तो 10th से रिलेटेड सारे बच्चे ABCD सभी के बच्चे यहाँ पे आपको शो करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो ओनली B चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अंडरस्कोर का साइन जो होता है अंडरस्कोर का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये अंडरस्कोर लगा दिया और मुझे लिखना है B सेक्शन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे B। तो अब 10th B के ही बच्चे केवल आएंगे यहाँ पे, ये देखिए सब बच्चे जो है 10th B के ही है। मैं किसी को भी यहाँ पे, मेरे को तो खैर सभी को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को ऐड करूँ। जैसे मैंने एक बच्चा ऐड कर लिया,
फिर आगे गया मैं, या फिर से टेंथ बी के बच्चे आने लगे, मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे को, मेरे को सभी बच्चे ऐड करना है तो मैंने एक और बच्चे को ऐड कर, इस तरह से मैं कितने भी बच्चे, जितने मेरी क्लास में बच्चे, सभी बच्चों को मैं ऐड कर सकता हूँ। ये तो हुआ टेंथ बी के लिए, मतलब एक सेक्शन अगर आप पढ़ा रहे हो तो। अगर मान लो दूसरा सेक्शन पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फिर से लिखेंगे टेंथ, फिर अंडर स्कोर और फिर लिख देंगे आप सी, अगर आप सी सेक्शन पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप सी सेक्शन के बच्चे आने लगेंगे सब। तो आप सी सेक्शन किसी बच्चे को ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने ये बच्चे को ऐड कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर जो ब्लू टिक दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आप बच्चों को ऐड कर सकते हैं, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं वो उतने सारे बच्चे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं, नीचे की तरफ देखिए टीम के ऊपर एक आप कुछ साइन दिख रहा है, आप उसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए यह ऑप्शन आपको यहाँ पे 7 ऑप्शन दिख रहे हैं, कॉल्स, फाइल्स, कैमरा, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद सेव, शिफ्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें आपको जाते जाने की जरूरत नहीं, ओनली आपको दो ही ऑप्शन देखना है, एक तो फाइल्स और एक कैमरा। कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट आपके पास कोई कॉपी रखी है, उस कॉपी को आप रिकॉर्ड करके दिखाना चाहते हो या उस कॉपी को डायरेक्ट दिखाना चाहते हो बच्चों को लाइव, तो आप अपना कैमरा ओपन करिए। जैसे मैंने एक कैमरा ओपन किया, ठीक है, इस तरह से जो भी सामने होगा वो आपको दिखता रहेगा, ओके, यानी बच्चों को दिखता रहेगा उस। फिर दूसरा है फाइल्स, इसमें क्या, ये वन ड्राइव लिखा है, इसमें आप जितनी भी फाइल्स है आपके मोबाइल में, जो भी आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हो। लेकिन आपके मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उतनी ढूंढना उसी समय पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ उसमें फोल्डर बना लेंगे हमारे, जैसे यहाँ लिखा क्रिएट फोल्डर, उसमें जाएंगे आप क्रिएट फोल्डर में और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माई फाइल्स, ये माई फाइल्स का एक मैंने फोल्डर बना लिया और मैंने क्रिएट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्रिएट कर दिया। इस तरह से माई फाइल्स का एक आपको फोल्डर बन गया। अब मैं इसमें जाऊंगा और इस माई फाइल्स में मुझे क्या डालना है वो जाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए नीचे की तरफ आप देख रहे हैं राइट हैंड पे, राइट हैंड के कॉर्नर पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, उस प्लस के साइन पे जाएंगे और यहाँ अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड पे जाएंगे, मतलब उस फाइल में आप क्या क्या चीज़ रखना चाहते हो, जो भी आप चीज़ रखना चाहते हो वो रख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है, मैं इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ फाइल आके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। ये आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी, ये पीडीएफ फाइल अगर आपको अपने बच्चों को दिखाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये फाइल को बच्चों को शो कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। मान लीजिए आपको इसके अलावा कुछ चीज़ दिखानी है, मान लीजिए आपको फोटो ही दिखानी है तो आप फिर से जाएंगे और कोई भी फोटो है आप फोटो को भी यहाँ पर कर सकते हो। ये देखिए फोटो भी यहाँ पर एड हुई है, आप फोटो दिखाना है बच्चों को, फोटो या इमेज कुछ भी आप दिखा सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बच्चों को जो भी एक दिन में पढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके रख लीजिए। जैसे मैंने अभी एक माई फाइल्स करके एक फोल्डर बनाया था, ऐसे ही आप भी एक फोल्डर बनाइए और उसमें जितनी भी चीज़ें आप एक दिन में पढ़ाना चाहते हैं जिस भी क्लास को, वहाँ पर आप उसको अपलोड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको फिर उस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ओनली क्लिक करेंगे और बच्चों को शेयर हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके अगर हर बार आपको अपलोड करनी पड़ेगी, अपलोड करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप पहले से ही उसको सारी चीज़ों को वहाँ पर रख लीजिए। चलिए हम चलते हैं अब कैलेंडर ऑप्शन पर, इसमें आपको यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल में आप अपनी क्लास का नाम डाल देंगे, मैथ्स ले रहे हैं आप और क्लास टेंथ है आपकी तो यहाँ पे टेंथ लिख देंगे। सेक्शन आपका जो भी है वो सेक्शन डाल देंगे, ए बी जो भी आप लेते हैं आप उस तरह से उसका सेक्शन डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद एट पार्टिसिपेंट है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक एक करके बच्चों का नाम डालना है। उसकी वजह ये है कि आप शेयर टू चैनल पे जाइए, उसमें क्या होगा कि जो आपने चैनल बनाया अपना, कुल मिला के चैनल मतलब यहाँ पर जो आपने टीम बनाई वो टीम पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी, तो आपको एक एक बच्चा ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पूरी टीम की टीम ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप शेयर चैनल पर जाएंगे, शेयर चैनल पर जाने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर लिखा है मैथ्स ना, ये इस पर जाएंगे, उसका जर्नल लिखा है तो जर्नल पर चले जाएंगे और जर्नल पर पूरे जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर शो होने लगे। अब यहाँ नीचे लिखा है ऑल डे तो आपको क्लास लेते नहीं है, इसलिए आप जाएंगे दूसरे जो आपको जिस दिन भी आपकी क्लास, सपोज़ करिए मंडे को आपका क्लास है और किस टाइम में यहाँ टाइम डालेंगे, सपोज़ करो मेरे टाइम जो है मेरा मंडे को वो 3 बजे से है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:45 तक मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिपीट तो उसको नेवर करना है, आपको जो ब्लू टिक है उसको आपको प्रेस करना है। अब अगर बच्चे को देखना है कि उसकी क्लास कौन ले रहा है और कब से उसकी क्लास है तो वो जाएंगे कैलेंडर पे और यहाँ पे देखिए कैलेंडर पे जैसे जाते हैं तो उनको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है कि टेंथ बी की क्लास है और टेंथ बी में 3 बजे से
4:45 तक की क्लास है, तो यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन को ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ज्वाइन नाउ लिखा है तो ज्वाइन नाउ कर लेंगे बच्चे। जैसे ही बच्चे ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास। इसमें देखिए फर्स्ट में वीडियो है जिसको मैंने ऑफ कर रखा है, आप भी चाहें तो उसको ऑफ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है माइक का, जिसको आपको ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑन नहीं रखते तो आपकी बात बच्चे तक नहीं पहुँच पाएगी। इसमें जो जरूरी ऑप्शन है वो है ये 3 डॉट दिख रही है। 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे जरूरी जो ऑप्शन है वो है शेयर। हम शेयर ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे शेयर जो ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। क्या आपको शेयर करना है बच्चों के साथ? आप फोटो भी शेयर कर सकते हो, वीडियो भी शेयर कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हो, और स्क्रीन को भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको फोटो शेयर करनी तो आप फोटो पे जाइए और आपके मोबाइल में जो भी फोटो रखी है आप उसमें से कोई सी फोटो शेयर कर सकते हैं। सपोज करिए ये जो फोटो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, लिखा है स्टार्ट प्रेजेंटिंग, आप स्टार्ट प्रेजेंटिंग को कर चुके हैं, अच्छे से देख पाए। अब अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा है, उसको स्टॉप कर दीजिए। फिर से हम चलते हुए 3 डॉट के ऊपर और अगला जो फिर से शेयर पे जाएंगे और अगला हमारे पास है वीडियो। शेयर वीडियो पे जाएंगे। अब हमारे पास जो भी वीडियो है हमारे मोबाइल में, अगर कोई वीडियो है तो आप यहाँ से वीडियो भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट प्रेजेंटिंग करेंगे तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी वीडियो आप शो करना चाहते हो वो यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टॉप करेंगे। फिर से हम 3 डॉट पे जाएंगे, फिर से हम शेयर पे जाएंगे और अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप जो भी कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अगर वो सारी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन में यानी कि PPT के थ्रू अगर पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ाना, क्योंकि आप एक एक चीज़ को कहाँ तक ढूंढेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपके पास PPT रहेगा उस चीज़ का तो आप एक ही बार शो करेंगे और धीरे धीरे उसको स्क्रॉल करते जाएंगे और वो उसको स्क्रॉल करते जाएंगे और बच्चे उसको नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। बीच बीच में जहाँ पर भी आपको रोकना है रोक के आप एक्सप्लेन, तो ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। फिर लास्ट में आता है शेयर स्क्रीन, तो इसके थ्रू आप पूरे मोबाइल की कोई सी भी चीज़ आप बच्चे को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए शेयर स्क्रीन है। इस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फिर आप आते हैं हम असाइनमेंट पे। यहाँ पे असाइनमेंट अगर कुछ देना चाहते हैं आप बच्चों को पर्टिकुलर क्लास में तो आप यहाँ से दे सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप असाइनमेंट जो भी देना चाहते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने ग्रुप में भेज सकते हो, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ जो कि हर टीचर को करना ज़रूरी है। जब भी आपकी क्लास एंड हो जाएगी तो आपको अपना इवेंट को एंड करना है, या कह सकते हैं आपके अपने जो क्लास है उसको फिनिश करना है। वो कैसे करेंगे, यह देखिए यहाँ लिखा है, जैसे 10th B जो लिखा है आप उसको प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए ज्वाइन और सब कुछ लिखा रहा है। फिर से लास्ट में जाएंगे तो कैंसिल इवेंट आ रहा है, कैंसिल इवेंट को आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप कैंसिल को क्लिक करेंगे क्या होगा कि वो आपका जो क्लास है वो एंड हो जाएगी और सभी आप उस क्लास से बाहर निकल जाओगे, बच्चे भी वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप तो क्लास को बंद कर देंगे लेकिन बच्चे आपस में बात करते रहेंगे, वो अपनी क्लास को जारी रखेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आप अपनी क्लास को इस तरह से फिनिश करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।